क्या हुआ समीन, तेरे साथ ऐसे क्यों चल रही है? अरे प्रॉब्लम मेरे साथ ही होती है पता है। अब क्या करना ये सोचो, उसमें मत डूबो। ये रो रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि हमने इसे बहुत लोड डाल दिया अपना हाथ में। इसने मुझे बचाया कार का एक्सीडेंट होने से। बहुत मजा तो आ रहा है यार, लेकिन गर्मी जो है ना वो सारा मजा खराब कर रही है। वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो अभी मेरा न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं रेगुलर डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा खुद पे कि मैंने करके दिखाया है। इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लोग तो बहुत बहुत दिनों तक करते हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट किया था अपनी तरफ से तो करके दिखाया। वो सब तो ठीक है, बैठे खाते हो। तो मैं अभी आपको मैं बता दूं कि टाइम हो रहा है रात के 3 और मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। मैं इसलिए बैठी क्योंकि आज सुबह हमें 6 बजे निकलना है ताजमहल के लिए, क्योंकि हम आगरा में हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो मैं कपड़े निकाल के अपने रख रही थी पहले से। मैंने वैसे इसलिए किया है कि आप लोगों को दिखा सकूं मैं क्या पहनने वाली हूँ। रुको दिखाती हूँ। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा शायद ये मेरे शॉपिंग वाले ब्लॉग में। हम यहाँ पर लगा कर रख देते हैं इसको। और मेरे साथ अभी सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जगे हुए हैं। तो मैं हो गई, बस बाल बनाने में बहुत प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं यार ये वाला नहीं। लगाओ बताता हूँ, अच्छा लगने लग रहा है। लगाओ पर बैंड है क्या? नहीं वही तो बात नहीं। दिखाओ इधर, घूमो इधर, घूमो। नहीं गिर जाएगा, नहीं लगता है। क्या सॉरी प्रॉब्लम, मेरे साथ ही होती है पता है सब कुछ। बहुत परेशान हूँ। नौटंकी है ये, नौटंकी समरीन। क्लिप क्लियर होने लग गई, समरीन फिर से परेशान हो गई है। अब क्या करना ये सोचो, अब उसे मत ढूंढो। अरे यार है यार, कहीं तो है, मैंने रखा था एक ना एक तो। तो गाइज फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी और बहुत देर बाद हुई हूँ मैं रेडी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मैं परफेक्ट लग रही हूँ अपनी तरफ से। बहुत कुछ हो गया यार मेरे साथ अभी तो, आप लोगों ने देखा ही। और पता नहीं कैसे करके तो मुझे एक क्लिप मिली है, वो मैंने लगा लिया है। और अब चलो हम चलते हैं, हमारी कैब आ गई है बस, और हम यहाँ से निकलते हैं। और आप मुझे बताना कि आपको मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, पहले मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे वहां जाके भी दिखा दूंगी अच्छे से। ये देखो मेरा मेकअप, देखो पहले तो। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं और फिर मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर में वहां जाके। तो कैब आ गई है, अब जल्दी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से और हम पहुंचने वाले हैं बस ताजमहल जिसके लिए हम आए थे, वहां जा रहे हैं फाइनली। यार इतनी सुबह हो रही है, यार इतनी सुबह हो रही है, कभी ऐसा लग रहा है। और इतनी फ्रेश फ्रेश से लग रहे हैं हम लोग, जैसे बिल्कुल क्या ही कर लिया हो, तैयार व्यार होकर जा रहे। बताओ यार कितना सही लग रहा है ना, सच में ऐसे हमें डेली करना चाहिए था जो कि हम करते नहीं हैं। आज हम लग रहे हैं अच्छे गुड बच्चे, बिल्कुल शरीफ बच्चे जो सही टाइम पे तैयार होके बाहर घूमने जा रहे हैं। यार देखो मॉर्निंग, ये जो आवाज आ रही है। तो हम आ गए कैब में और अब हम निकल चुके हैं ताजमहल देखने के लिए, और इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है यार, और हम आगरा इसीलिए आए। कॉल आ रही है मेरे पास किसी की, अम्मी की। हेलो कैब में। हम पहुंच गए ताजमहल के गेट पे, अभी हमें अंदर जाना है। और यहाँ पर हमारे लिए एक राइड भी है ये, जिसपे हमें बैठकर जाना है। अभी दिखाती हूँ। काजल भी मुझे यहाँ पे मिल गई है, सब लोग मिल गए हैं। अब हम बस चालू करोगी तब अंदर जा रहे। चालू है यार, ये चालू करोगी तब। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितनी सारी राइड्स हैं। यहाँ पे अभी कैमल राइड भी है यार, मतलब राइड नहीं है वो, एक वो है। अब ये कैमल हमें अंदर तक पहुँचाएगा ऐसा वाला। यार कितना बड़ा होता है ये। हाँ इस पे बैठ के चलते हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं ऊँट पे बैठ के, ये देखो इस पे बैठ के जाएंगे हम लोग। इस वाले ऊँट पे चलना है या फिर उस वाले पे? सजा हुआ तो ये वाला है। समीन कह रही है कि सारा लोड ऊँट पर है ना यार, वो रो रहा है। ये ऊँट रो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा क्योंकि हमने इसे बहुत लोड डाल दिया अपना हाथ में, ज्यादा ही लोग बैठ गए। तो कोई नहीं है, समरीन को उतार देते हैं, ऐसा करते हैं। चलो चल चल।
उतरो उतरो सबनी तो एक किलो की है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना पास ही आना था और हम लोग हमने वो किया। हाय की आईलैशेस देखो, ऐसा लग रहा है फेक आईलैशेस लगाई है। मारता भी है मुंह से। ये मकासा का फ्रेंड है आपसे। टच करके देखो बहुत मारेगा। नहीं इधर आ जाओ शांति। बाय बाय। ताजमहल हम पहुंच चुके हैं। ताजमहल के पास का होटल लिया था द ओबेरॉय। लग जाती है। अभी इसने मुझे बचाया कार का एक्सीडेंट होने से। थैंक यू सो मच। देख के चला करो व्लॉगिंग करते समय। अच्छा ओके अब से देखकर चलूंगी। यहाँ पर दो ब्लैक लोग हैं, ये देखो दो ब्लैक लोग और मैं बीच में। हाँ हम लोगों ने ये सोचा कि चलो उस पे मजा आएगा, लेकिन इस पे सच में मजा आया हमें बहुत ज्यादा। इतना दूर है और यहाँ से आउटफिट अच्छा लग रहा है। जस्ट आप लोगों ने देखा होगा मैंने शॉपिंग जो की थी ना तब लिया था ये लास्ट डे बिल्कुल, तो मुझे तो अच्छा लगा भाई। एंड में आकर मैं अपनी उससे खुश हुई, बहुत सेटिस्फाइड। क्या हुआ समीन तेरे साथ ऐसे क्यों चल रही है? क्योंकि मैं गिर गई चलते चलते और मेरा पैर मुड़ गया बेचारी। इतनी हील पहन के आई, दिखाओ ये देखो फिर दिखाओ। यहाँ का ये ऐसा है ना थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा था तो कमल के ही चलो। हम दोनों के पैरों में दर्द हो गए थे, मैंने जूती पहन रखी थी छोटी सी और समरीन ने हील, तो अभी हम दोनों ने दूसरे यहाँ से लिए मीना बाजार है इधर। अब जल्दी जल्दी बस पहुँचना है, एंट्री तो हो गई है। चलो यार चले, बहुत दर्द हो रहा है पैर में और हम 8 बज गए यार चलते चलते ही। दूर है, इतना दूर है, हमारा दिमागी कम था जो हमने वो नहीं करा। तो ये लोग जो आपको उधर दिख रहे हैं ये लोग हमसे बहुत आगे चले गए थे, बिछड़ गए थे, फिर हम इनके पास अभी आए हैं कैसे कैसे करके। मैं अभी गिर भी गई थी, तुम लोगों को पता है गिर गई थी और मेरे पैरों में छाले हुए इतने। मैं ऐसा गिरी कि मैंने चप्पल ही ले लिए। यहाँ के एंट्री का वो, यहाँ से एंट्री करते हैं, पहले सिक्योरिटी चेक होगा सबका, फिर ये हम ईस्ट गेट से जा रहे हैं। मेरी एंट्री हो गई है और मैं गर्मी में पागल हो गई हूँ यार, बहुत ज्यादा इतनी गर्मी हो रही है ना कि हालत खराब हो रही है। 8 भी बज गया मैं चलते चलते ही, सिर्फ यहाँ से चलते चलते ही। और अम्मी का ये पंखा बड़ा काम आ रहा है यार, ये पंखा बहुत काम का है। और शायद यहाँ पर हम चप्पल या कुछ पहन कर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर फ्रेम्स लगे हुए हैं ताजमहल के, जिसपे बहुत कुछ लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो हम आ गए हैं ताजमहल, लेकिन ताजमहल को ढूंढ रहे हैं हम कि वो दिख रहा है हल्का सा पीछे, कितना सही लग रहा है यार। तो ये एक झलक दिखी है हमें ताजमहल की, अभी उससे थोड़ा अभी यहाँ से और आगे जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी कुछ है ना, ये नहीं पता मुझे क्या है। ये एंट्री है यहाँ की, ये ताजमहल की एंट्री है। वो ताजमहल की एंट्री भी इतनी अच्छी है, वाओ यार। ये हमें अब ताजमहल थोड़ा बहुत दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कोई वॉलपेपर हो, कोई वॉलपेपर लग रहा है ऐसा लग रहा है। देखिए ऐसा है कि यहाँ से पूरा ताजमहल दिख रहा है, बनाया गया। और यहाँ तो देखो ताजमहल में इतनी चमक है कि हमारा कैमरा वो देख ही नहीं पा रहा है। और ये देखो ताजमहल कितना वाइट दिख रहा है। फाइनली हम आ रहे हैं ताजमहल। ताजमहल को हम बिल्कुल करीब से देख रहे हैं और शायद फोटोग्राफी जो है वो यहीं तक है। फोटोज के लिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगी है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग हैं, जा तो रहे हैं अंदर तक लोग। यहाँ पर क्या व्यू आ रहा है यार, ऐसा मैंने बहुत ही हमेशा पिक्चर्स में देखा था और वीडियोज में देखा था, आज मैं पहली बार सामने से देखती हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपनी फोटोज क्लिक करवानी है। और आपने अगर मेरा आउटफिट अभी तक देख लिया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत मजा तो आ रहा है यार, लेकिन गर्मी जो है ना वो सारा मजा खराब कर रही है हमारा, सारा का सारा। बस ये पंखा भी नहीं चल रहा है, बस सामने देखने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये लड़का परेशान हो गया मेरी फोटो क्लिक करते करते, ज्यादा गर्मी लग रही है और मैं फिर भी फोटो क्लिक करवा रही हूँ। तो
गाइस अब फाइनली हम अंदर जा रहे हैं, आधा है कम से कम दो एक दो घंटे तक समझने में से रील बनवाई है। पूरे बाल वाल सब खराब होगा इसकी रील बनाते बनाते, बन गया ना अपना तो कुछ नहीं बन पाया। हाँ कुछ नहीं बन पाया, अभी इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा आप लोगों को किसका बना है। मैं आपके व्लॉग देखता हूँ, आपके व्लॉग देखता हूँ। अच्छा हाँ, मैं बहुत देर से दिख रहा था कि आप मुझे आप समरीन जैसी लगी, तो मैंने कहा ये समरीन मैम है क्या, फिर मैंने कहा आके देखते हैं। मैं आर्यन सर को पहचान गया, मैंने कहा ये आर्यन है, मैं आपके सारे व्लॉग देखता हूँ। वाह कितना खूबसूरत है, वाकई कितना बेकार है टोपी पहन। समरीन जैसे लोग पैर में गोबर ओबर लगा करके अंदर आ जाते हैं, पूरा ताज महल गंदा करके चले जाते हैं। भाग मोटी भाग, भाग मोटी भाग, भागना मोटी मोटू समरान। और अब हम आ गए हैं ताजमहल के अंदर, और ये है ताजमहल की सीढ़ियाँ जो कि कितनी वाइट है, और मुझे ये देखकर एक गाना याद आ रहा है। सुनो ना संगे मारे मारे कि ये दीवारे कुछ भी नहीं है, आगे का नहीं आता। तो ये जो आपको नहर दिख रही है, जो भी दिख रहा है, ये नदी दिख रही है, इसमें मैं जा रही हूँ अभी बोटिंग करने के लिए। ये मेरी बोट इधर है यार, कितना गहरा पानी होगा ना, बहुत ज्यादा दूर तक भी है, बहुत दूर तक है। कौन सा सागर है ये, पता नहीं कौन सा ओशियन, कुछ तो होगा पता नहीं यार, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत प्यारा दिख रहा है ताजमहल के साथ साथ। ये क्या व्यू है, वाह हाय कितना खूबसूरत है, वाकई कितना खूबसूरत है। तो गाइस पहले की जमाने की ये चीज देखकर बहुत ही खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है कि लोग यहीं पर चलते होंगे पुराने जमाने के, और वहीं पर हम भी चल रहे हैं, यहीं पर रहते थे वो लोग, आज हम लोग भी वहाँ पर देखने जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, और ऐसी पुराने जमाने की कुछ चीजें देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और सबको भी अच्छा लगता होगा। और अब मुझे आ गई अम्मी की कॉल, क्योंकि हम लोग सारे के सारे बिछड़ गए थे एक दूसरे से, तो हमें एक साथ मिलना था, और क्योंकि हमें जाना था होटल वापस, तो अम्मी की कॉल आई थी, और जल्दी अब हम जा रहे हैं अपनी जगह पर जहाँ हम एक जगह पर सब लोग मिल जाएंगे। अब बहुत प्यास लग रही गाइस, बहुत ज्यादा, मतलब पर हमारा ब्रेकफास्ट भी टाइम निकलने वाला है, 9:12 हो गया यार, 11 बजे खत्म हो जाता है, एक घंटा तो जाने में लग जाएगा, जल्दी चलो कैब करते जल्दी से और चलते यहाँ से, आपको होटल में मिलते हैं चल के सीधा, चलो ब्रेकफास्ट खत्म हो जाएगा, चलो। तो गाइस इतनी देर से मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि हालत बिल्कुल खराब है, हमने पानी लिया बाहर आके, यहाँ पर सबको देखो हालत नहीं है, उठने की ना वैसी हालत नहीं है, उठने बैठने की चल नहीं पाएंगे अब हम, और बहुत ज्यादा थक गए यार, और पीछे का भी बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, अभी भी यही कहूंगी कि इतना चलना पड़ा यहाँ पे, इतना ज्यादा चलना पड़ा कि बस वो ही चीज गलत लगी मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, घूमने आना तो करना ही था। अभी पैरों की हालत की हालत दिमाग की हालत सब खराब है, लेकिन हम इसलिए जल्दी कर रहे जाने में कि हमारा ब्रेकफास्ट रह जाएगा, और मुझे ब्रेकफास्ट करना है और सबको भी करना है, तो हम ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकते हैं। गाड़ी ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे कि कोई सी गाड़ी मिल जाए जिससे हम चले जाए, वो आर्यन भी बहुत ज्यादा थक गया है तो कह रहा है मैं गाड़ी से ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। तो हम आ गए हैं एक बस में जिसमें हम अभी नहीं बोल पाऊंगी आगे का, वही सफर दे दूंगी गाइस। और यहाँ हमारी हालत ऐसी खराब हुई, ऐसी खराब हुई कि गर्मी इतनी थी यार कि हम परेशान हो चुके थे, तो हमारी हालत खराब हो चुकी है, आपको पसीना दिख रहा हो कितना आ रहा है, बहुत मुश्किल से हमें ये जगह मिली है, गाड़ी मिली है जिससे हम जा रहे हैं। आंटी एक गाना गा रहे थे, आप कौन सा था वो, मुसाफिर चल मुसाफिर चल। हम ऑटो से उतर गए हैं और ऑटो से हम आए होटल, क्योंकि कैब को कुछ समझ नहीं आता कब आती कब जाती, तो फिर हम जल्दी से आ गए, चल रहे हैं हम होटल के अंदर। एनर्जी इतनी लो है, ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को इतनी लो एनर्जी के साथ कैसे बोलूं, फिर भी हम ब्लॉग बनाएंगे अपनी एनर्जी को ऊपर लाकर, और ब्रेकफास्ट करके हम अपने आप को बहुत ही वो कर लेंगे कि हम अच्छे से ब्लॉग बनाए। और अब चलो अंदर चलते हैं, पैरों की हालत ऐसी है कुछ। ब्रेकफास्ट टाइम, ब्रेकफास्ट। तो गाइस अभी समरीन सबके लिए चाय बना रही है, तो चलो बनाओ भाई, ये देखो उसको, वाह इतना कौन पिएगा यार, तुम्हारे लिए काजल को दे दो, दूध में डाल दूँ, हाँ नहीं वहीं कर लेंगे आधा आधा, अभी दे दो ऐसे। तो यही पे खत्म होता है व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो समरीन अली व्लॉग्स। तो मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।